हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू डेली फाइव और सिक्स सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमएनएस एग्जाम एंड गाइस आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू इन पीपीटी फॉर्मेट बिकॉज उसमें क्या होता है पी प्रोवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है एंड वो टाइम कंज्यूमिंग भी है पी बनाने में तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको पेजेस पर प्रोवाइड करूँगी सो दैट आई कैन प्रोवाइड ईजीली दैट पिक ऑन टेलीग्राम चैनल ओके सो so स्टार्ट करते हैं टोटल सिक्सियम्स uh, हैं एंड अलोंग विद उसके बाकी सारे भी मीनिंग्स मैं प्रोवाइड करूंगी सो फर्स्ट वन इज क्वेस्ट नाउ द मीनिंग ऑफ क्वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज सर्च सो करेक्ट आंसर है क्वेस्ट का सर्च किसी चीज को फाइंड करना या फिर आपने सुना होगा नाम परसुएट परसुएट आपने मूवी का नाम भी सुना होगा द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस तो वहां से आप लर्न कर सकते हो परसुएट सवेड का मतलब सर्च नेक्स्ट इज जेलस जेलस का मतलब होता है uh, किसी से जलना ठीक है वैसे आप लर्न कर सकते हो इसका करेक्ट आंसर है एनवियस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एनवियस नेक्स्ट इज डिलीजेंट डिलीजेंट आप कैसे लर्न कर सकते हो डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या फिर इंडस्ट्रीस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इंडस्ट्री से ये वर्ड आया है इंडस्ट्रियस तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियज में जो पीपल्स हैं जो वर्कर्स हैं वो काफी सारी मेहनत करते हैं काफी ज्यादा मेहनत करते हैं तो उससे आप लर्न कर सकते हो डिलीजेंट इंडस्ट्रियज और वैसे भी आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो डिलीजेंट डिलीजेंट में आ रहा है डिली डिली मतलब दिल्ली एंड आप ऐसे लर्न कर सकते हो जो दिल्ली वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा मेहनती होते हैं तो ऐसे लर्न कर सकते हो डिलीजेंट को इंडस्ट्रियस से नेक्स्ट इज डिसल्ट्री डिसल्ट्री का मतलब क्या होता है इसका जो करेक्ट आंसर है डिजल्ट्री का दैट इज रैंडम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर डिजल्ट्री इज रैंडम नेक्स्ट लास्ट टू मेमोथ मेमोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली मेमोथ आपके एग्जाम में आ सकता है मेमोथ का मतलब होता है ह्यूज लार्ज बिग या फिर आप इसमें जो करेक्ट आंसर है इसके हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से दैट इज स्टुपेंडस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टुपेंडस वेरी इंपॉर्टेंट मैमोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्चुअली मैमोथ इज स्टुपेंडस बिग ह्यूज जाइंट ओके नेक्स्ट इज लास्ट वन इज डुबियस डुबियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन है इजी एश्योर्ट डबल और डिमिश सो इनमें से एक भी करेक्ट आंसर नहीं है डुबियस का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डाउटफुल डाउटफुल इज द करेक्ट आंसर डुबियस सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड सो दैट यू कैन रिमेम्बर ईच एंड एवरी वर्ड इजीली सो फर्स्ट वन इज क्वेस्ट क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च करना हंट और वी कैन से परसु इट परसु इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो परसु इट एंड क्वेस्ट आप याद रखना बस नेक्स्ट इज लास्ट फुल क्योंकि यहां पर एक वर्ड आया है एनवीएस में हेयर इज दिस वर्ड लस्टफुल सो लस्टफुल का लस्ट फुल का मतलब क्या होता है लस्ट फुल का मतलब एक्सेसिव सेक्शुअल डिजायर सो ऐसे आप लर्न कर सकते हो लस्टफुल लीचरस uh, या लिसेशियस या ल्यूइड तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आप ऐसे लर्न कर सकते हो तीनों ही एल से स्टार्ट है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा लीचरस या लीचर भी कभी कम बोल देते हैं एल ई सी एच ई आर लीचर लिसेंशियस या ल्यूइड नेक्स्ट इज जेलस जेलिस की एनवियस तो एक कॉमन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड ग्रीवजिंग ये भी इंपॉर्टेंट है जी आर यू डी जी आई एन जी ग्रीवजिंग नेक्स्ट इज डिजायरस एंड कोवेंटस कोवेंटुअस इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवियस एंड ग्रीवजिंग देन नेक्स्ट इज मैमोथ मेमोथ में स्टूपेंडस जो इसका करेक्ट मीनिंग था जॉइंट बिग कोलॉसल वेरी इंपॉर्टेंट इसकी कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं सीओ एल ओ एस एस ए एल कोलोसल सो वेरी इंपॉर्टेंट कोलोसल इनॉर्मस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो, stupendous, colossal, and giant. के सारे ये सिनोनियम्स है नेक्स्ट इज डिबियस डिबियस के करेक्ट जो मीनिंग है वो है डाउटफुल अनश्योर सस्पेक्ट या सस्पिशियस सस्पिशियस तो आपने सुना ही होगा सो दीज आर दिनोनियम्स